यहाँ पर तुमने जो एल्विश भाई के करते हो वहां कैसे ले जाते हो फिर? वहां पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरेनर टाइप का, तो अच्छा जो उनका बुक करता है ना उनकी ही हेडिंग रहती है। फार्म हाउस, विदेशी बालाएं और सब ऑडियो क्लिप में हुआ सब कैद। की काली करतूतों से उठेगा पर्दा। रेप पार्टी से जुड़े ऑडियो में क्या हुई बातचीत? प्रोग्राम चाहिए जैसे एल्विश भाई के हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा अंदर ये देख लेना कि कोई स्टेज टाइप थोड़ा सा हमारा हो जाए। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि अब सांपों के जहर का इस्तेमाल करने और रेव पार्टी आयोजित करने के विवाद में नया ऑडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें सांपों के जहर का मोल भाव किया जा रहा है। ये क्लिप रेव पार्टी कराने वाले एजेंट राहुल यादव का बताया जा रहा है, जो क्लाइंट से जहर की बातचीत करते सुनाई दे रहा है। एक आध उनकी भी भेज देना, वो एल्विश भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो, वो तो क्योंकि आपने बहुत बढ़िया करा होगा। वो प्रोग्राम तो मैंने किया था, लेकिन मैं बंदों को छोड़ के वापस आ गया था। वहाँ पे फॉरनर ही थे सारे। अच्छा, तो किसी फॉरनर की बर्थडे पार्टी थी वो भी। अच्छा, तो ये नोएडा में थी उनकी एल्विश भाई की पार्टी? नहीं, छतरपुर फार्म हाउस, छतरपुर में। मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स ने इस गिरोह का भांडा फोड़ दिया है। दरअसल इस संस्था के गौरव गुप्ता ने FIR दर्ज करवाई थी और एल्विश यादव को सांपों के जहर बेचने का सरगना बताया था, तो वहीं एल्विश इन आरोपों से साफ साफ इंकार कर रहे हैं। पीपल्स फॉर एनिमल संस्था ने सांपों की तस्करी करने वालों का जाल बिछाया था और इस पर स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, जहां राहुल यादव से उन्होंने क्लाइंट बनकर बात की, तब जाकर पार्टी की जगह और इनकी काली करतूतों से पूरा पर्दा उठा। इस दौरान सबसे बड़ा नाम एल्विश यादव का सामने आया था। संस्था ने पुलिस को एक और ऑडियो क्लिप सौंपा है, जिसमें राहुल यादव एल्विश यादव की रेव पार्टी का दावा कर रहा है। तो कहा जाता है कि एल्विश के तगड़े कॉन्टैक्ट हैं और इसीलिए ज्यादा चेकिंग नहीं होती, वरना दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस होती है और पार्टी करना तो मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वे फोन में भी सांपों की तस्वीर नहीं रखते। ऐसा करने से उनका फंसने का डर होता है। वही राहुल यादव ने ऑडियो क्लिप में कई बार एल्विश यादव का भी जिक्र किया। उसने बताया कि कैसे यूट्यूबर की दिल्ली में छतरपुर में स्थित फार्म हाउस में पार्टी होती है और उनके पास हर तरह का सांप होता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई आगे की जारी रहेगी और इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, और आपकी क्या राय है इस बात को लेकर के कि क्या सच में एल्विश यादव का इस पूरे मामले में हाथ है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।